हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों देखिए, बादल हमारे इधर अभी भी छाए हुए हैं लखनऊ में, और जो है बारिश कल से लगातार हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, और हमारे पेड़ पौधे देखिए गर्मी में किस तरह से थे, और अब देखिए कितने बढ़िया हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, और खूब बुशी भी हो गए हैं, हरे भरे भी हो गए हैं, और नई नई ब्रांचें भी इन सब की निकलने लगी है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बोगनविलिया देखिए कितना सुंदर और कितना बुशी हो गया है, और ये देखिए ये मेरा येलो वाला देखिए कितना खुश है और इतनी फ्लावरिंग कर रहा है, और ये मेरा डबल पैटर्न वाला है, वाइट होता है फिर इस तरह से पिंक हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा येलो वाला है, ये पिंक वाला है, आप देख पा रहे होंगे, और ये ऑरेंज में है ये देखिए, और ये वाइट वाला, वाइट और लाइट पिंक में देखिए इस तरह से कलर हो जाता है इसका। पहले इस तरह से निकलेगा, फिर इस तरह से इसका कलर हो जाता है। और ये देखिए, ये मेरा वाइट वाला है, और वाइट फूल मैं काफ़ी टाइम से ऊपर नहीं आई हूँ टेरेस गार्डन पे दोस्तों, क्योंकि पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसीलिए। तो देखिए इस तरह से वाइट निकलता है, फिर इस तरह से ये पिंक कलर में हो जाता है। और ये देखिए, ये एक यहाँ पर है गुच्छे में, ये पिंक कलर के, डार्क पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इतना बुशी हो गया है कि मैं भी 3-4 दिन बाद ऊपर आ रही हूँ, और देख के बड़ी खुशी हो रही है अपने प्लांट्स को कि ये इतना बुशी हो गया है। अब दोस्तों देखिए, अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए इसकी नई नई ब्रांचें निकल आई हैं, तो फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। ये देखिए चंपा का प्लांट मेरा, वो क्रीम कलर का चंपा है, और ये भी देखिए कितना घना हो रखा है, और ये वाइट वाला चंपा है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए टिकोमा, टिकोमा में देखिए खूब बर्ड्स आई हुई है और फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए मैंने कटिंग लगाया था, तो कटिंग में भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, ये देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी आ रही है। और सारे प्लांट्स मेरे जो बेचारे सूख रहे थे, वो धीरे धीरे जो है अब हरे होने लगे हैं। तो जितनी भी कटिंग्स मैंने बोगनविलिया की लगाई थी, ये देखिए दोस्तों ये सारी चल पड़ी है। तो आप इस मौसम में जो है बोगनविलिया की खूब सारी कटिंग्स लगाइए दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने शीट से लगाया था, और वो है हमारा लोटस। तो ये देखिए दोस्तों, लोटस जो हम लोगों ने शीट से लगाया था, वो भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और मैं इसकी ये जो ख़राब पत्तियां हैं वो हटाती रहती हूँ। अब दोस्तों इसे मुझे शिफ्ट करना है बड़े वाले पॉट में, और इसे मैं जब बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये टूट गया है, तो इसे मैं बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी, तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों ईजी, आप बहुत आसानी से आप जो है लोटस को शीट से भी घर में लगा सकते हैं। और देखिए तुलसी जी, तो भैया जहाँ देखो वहाँ तुलसी जी निकली हुई हैं, और देखिए बोगनविलिया की कटिंग यहाँ पर भी लगाई थी। ये तुलसी जी देखिए एकदम सूखी सूखी हो गई थी गर्मी में, लेकिन अब देखो कितनी हरी भरी हो गई है, और मेरे सारे पॉट में तुलसी मैया जी निकली हैं देखिए, और ये वन तुलसी है। यहाँ पर भी देखिए, ये मेरा चंपा का प्लांट है, पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का, ये मैंने कटिंग से लगाया था, और ये भी देखिए इतना बड़ा हो गया है। और ये तुलसी देखिए, जहाँ देखो वहाँ तुलसी तुलसी नज़र आ रही है, ये घुइया जो अरबी कहते हैं उसे मैंने दबा दिया था, और ये देखिए इसमें भी निकल आई है। और ये हमारा बैंगन का प्लांट है, ये हमारा शिमला मिर्च है, और जो है ये देखिए हमारा रेन लिली का फ्लावर देखिए, ये बड़े वाली साइज़ के हैं, और रेन लिली के बल्ब भी अभी मुझे लगाने हैं, क्योंकि मैंने लगा के रखे हैं एक ही पॉली बैग में, ज़्यादातर लगा रखे हैं, तो उसे भी मुझे जो है लगाना है। और ये देखिए, ये वेरीगेटेड ऑर्नामेंटल चिली जो होती नहीं है, बैंगनी कलर की छोटी छोटी सी गोल गोल होती है, वो है। ये पालक जो मैंने लगाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी, दिखाया भी था आपको कि मैंने ये पालक लगाई है। और ये है हमारा रंगून प्लांट, ये देखिए ये हमारा वाइल्ड वाला जो है मैक्सिकन पिटोनिया है, और जो है ये हमारा गोरी जोरी का प्लांट है, ये भी देखिए खूब फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए कितना बुशी हो गया है, वरना
गर्मी के मौसम में तो बेचारे के ऊपर एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। और ये देखिए, ये हमारा अनार का है जो मैंने शीट से लगाया था। लिक्विड फर्टिलाइज़र देते टाइम जब शीट्स कोई एक आध बच जाता है ख़राब वाला, तो उसी में रह जाता है, तो उसी से ये निकला था। और ये देखिए कितने अच्छे से ये हरा भरा हो गया है। और फ्रूट लगे चाहे ना लगे, इसके फ्लावर ही इतने सुंदर होते हैं। और दोस्तों, ये पपीता का भी जो है ये शीट से ही लगा था, ये देखिए। और मैंने ये कट्टे में लगा रखा है, उसमें भी तुलसी मैया निकली हुई हैं। और ये देखिए कितनी, मतलब कितना हरा हरा हो गया है। और इसका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो गया है, ये पपीते के प्लांट्स का। तो मैंने ये शीट से लगाया था दोस्तों, और आप देखिए कितना सुंदर हो गया है। अब इसे मैं बड़े वाले कट्टे में लगा दूँगी, ताकि इसकी मिट्टी विट्टी और खाद पानी मिला के इसको दे सकूँ, ताकि अपनी ग्रोथ ये बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। हवा बहुत अच्छी चल रही है, शाम के टाइम ऊपर आएंगे।